फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी, ब्लॉगर्स, सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे, परिवार का ख्याल भी रखते हुए। तो बाबा गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यहाँ पे राधिका के पापा की पहली बीवी और पहली बेटी आ गई है राधिका की मम्मी से मिलने के लिए, और सब एक दूसरे से चर्चा करना चालू की, जिसका मजा ले रहा है समर। भाई समर, क्या बोलू तुमको, मानना पड़ेगा, इतना शातिर दिमाग तुम लाते कहाँ से हो। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर लोग बोलते हैं तुम्हारी माँ ने तुमको क्या खा के पैदा किया है। वाह भाई वाह, जो तुम चाहते थे वही हुआ। तुम्हारी एक भी जो एरो है ना, वो निशाने में लगी है, ये मैं बोलूंगी। मतलब तुम जो चाहते थे कि तुम्हारी सास मतलब राधिका की मम्मी ये सब पचेरे में पड़े और तुमको एकदम से भूल जाए, यही अब होने वाला है। अब तुम्हारे घर को छोड़ के भी जाने वाली है, अब तो मुझे यही लग रहा है। अब धीरे धीरे तुम ये चीज राधिका तक लाओगे, राधिका को बोलोगे। मतलब फ्रेंड्स, सच्चाई सामने आए, मैं चाहती हूँ सच्चाई सामने आए, मगर इस हालत में नहीं, इस कंडीशन में नहीं, जहाँ राधिका के पापा को होना चाहिए, उनको सामने रख के ये सब बातें करो, तो उनके पीठ पीछे ये लोग ये सब बातें कर रहे हैं। मेन कल्प्रिट तो वो है, तो ये सब इन लोग के बीच में चर्चा करने से क्या फायदा। और दूसरी बात है आंटी, अब मैं राधिका की पापा की पहली वाइफ से बोल रही हूँ, आप जो बोल रही बार बार फोन करके बुलाते हैं, तो आपके फोन में क्या ब्लॉक करने वाला, ब्लैकलिस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है क्या, जैसे हमारे फोन में है? आपको उनको क्या ब्लैकलिस्ट में नहीं डाल सकते हो? आपको क्या उनको बुलाने से आपको जाना ही पड़ेगा? आप इतनी, आपको इतना समय, आप तो कैंसर पेशेंट हो, आप इतना कैसे घूम घाम रहे हो? आपको तो घर में रहना चाहिए। और दूसरी बात है समर, तुम ये मत सोचो कि ये सब करके तुम बच जाओगे, क्योंकि राधिका के पापा की दो शादी है, पर तुम्हारा, तुम तो दूसरी की बीवी को प्रेग्नेंट कर रहे हो। तुम्हारा केस तो एकदम डिफरेंट है। तुम अपने आप को राधिका के पापा से कंपेयर मत करो। तुम जैसे कल्प्रिट हो तुम वैसे ही हो, तुमने, तुमको सजा मिलना चाहिए, तुम गुनहगार हो राधिका के। तुम ये मत सोचो कि ये सब करके तुम बच जाओगे और अब सब कोई राधिका के पापा में फोकस करने लगेगा और तुमको सब कोई छोड़ देगा। तुम ये मत सोचो, क्योंकि ये सब तुम क्यों कर रहे हो ये मुझे समझ में आ रहा है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे ट्रैक से बेट्रैक होके सब उनके सामने चले जाएंगे और तुम आराम से बैठे रहोगे, तो ऐसा नहीं होगा। तुमको सजा मिलेगी। और राधिका प्लीज, तुम अपने आप में हिम्मत रखना। तुमको जब ये सच्चाई पता चले तो प्लीज तुम अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना। साईं बाबा तुम्हारे साथ हैं, तुम टेंशन मत लेना। ये सब आते जाते चीज है, ये सब को तुम, मुझे मालूम है तुम्हारे पापा है, तुमको बहुत दुख लगेगा, पर तुम ये सब लेके इतना मत सोचना। तुम पहले फोकस करना इस आदमी समर को अच्छा से जेल यात्रा करवाने की, उसके बाद तुमको जो करना, अपने पापा को पीस को जो सजा देना चाहती हो, जो करना चाहती हो, वो तुम्हारे ऊपर है। एज अ बेटी तुम कुछ भी करो, उसमें मेरा कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, पर इस कल्प्रिट आदमी को तुम सजा दे के ही रहना। बस फ्रेंड्स, इतना ही बोलना चाहती हूँ। जिसको मेरा आपका ब्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, और जो चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।